प्राणाधार सुंदर साची, संस्कृत में एक लोकोक्ति कही जाती है, अति सर्वत्रम वर्जित। इसका आशय होता है कि किसी भी बात की अति बहुत बुरी होती है और उसका परित्याग करना चाहिए। हमारे समाज में यह चीज देखने में आती है, जिसका परिणाम यह होता है कि लोगों को अश्रद्धा हो जाती है। जैसे एक तरफ देखने में आता है, पूरे हिंदू समाज के कुछ संप्रदायों में गुरु के लिए इतनी श्रद्धा देखने में आती है कि लोग सोचते हैं कि परमात्मा बाद में, पहले मेरे गुरुदेव। कई पंथ हैं, राधा स्वामी मत में चले जाइए, धन धन सतगुरु में चले जाइए, कई पंथों में देखने को मिलता है। और इसका दुष्परिणाम भी सामने आता है, क्योंकि जो श्रद्धा होती है सत्य पर अवलंबित होनी चाहिए। श्रद्धा से सत्य को प्राप्त किया जाता है, लेकिन हमारी श्रद्धा यदि सत्य पर केंद्रित नहीं है तो दुष्परिणाम भी लाती है। अभी विगत कुछ दिनों पहले आपने देखा कि आसाराम बापू के साथ क्या हुआ, राम रहीम के साथ क्या हुआ, और कबीर पंथ के एक महात्मा थे उनके साथ क्या हुआ। इनकी कुछ भूलों का परिणाम यह हुआ कि बुद्धिजीवी वर्ग में ये मानसिकता कह गई कि गुरु शब्द ही बुरा है, इसलिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। आप देखिए, परमात्मा ने इस सृष्टि में जो कुछ किया है उसका कुछ न कुछ रहस्य होता है। वेदांत दर्शन का एक सूत्र आता है, जन्म आदि यस्येतः, सृष्ट की जिससे उत्पत्ति होती है, पालन होता है और संहार होता है, वह परमात्मा है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर का भी जन्म होता है, हमारा पालन पोषण भी होता है, और हमारे अज्ञान का विनाश करने वाला भी कोई होता है। इन सबका मूल स्रोत कौन है? परमात्मा। उसी ब्रह्म की कृपा से सृष्टि पैदा होती है, एक छोटा प्राणी भी उत्पन्न होता है तो उसी के बनाए हुए विधान में रहकर ही उत्पन्न होता है। लेकिन एक बात होती है, परमात्मा तो कुटस्थ है, कहीं ना कहीं देवताओं को प्रकट करता है। देवता कौन है? जो हमारे जीवन का सृजन करते हैं। माता देवता है जिसने हमें जन्म दिया है, पिता देवता है जिसने हमारा पालन पोषण किया है, और आचार्य और गुरु देवता है जिसने हमारी अज्ञानता के अंधकार को दूर किया है और हमें मानव कहलाने के योग्य बनाया है, पुनः मानव से भी ऊपर उठाकर देवत्व के पथ पर ले चला है और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश देकर हमें उस स्तर पर खड़ा कर दिया है कि हमें लगता है कि ब्रह्मविदो ब्रह्म एव भवति। अब यदि सोचिए कि सृष्टि से माँ की भूमिका समाप्त कर दी जाए तो क्या परिणाम होगा? हम जब एक माँ के होते हैं, यानी हमारा शरीर जब एक माँ का होता है, तो हमें तो कुछ पता नहीं होता है कि क्या खाना है क्या पीना है। हमें मल मूत्र का त्याग करने में कभी ज्ञान नहीं रहता, कहाँ मल त्याग करना है, कहाँ मूत्र त्याग करना है। आज हम बड़े हो गए हैं तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन जब हम 2 दिन के होंगे, 5 दिन के होंगे, हमारे मल मूत्र को किसने साफ किया है, कभी किसी ने सोचा है? पिता एक कोल्लू के बैल की तरह धन कमा करके लाता है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। यदि वो पिता अपना कर्तव्य पूरा ना करे तो क्या परिणाम होगा? लेकिन माता और पिता के अंदर वो वात्सल्य प्रेम किसने भरा है? पर्दे के पीछे से सारा कार्य परमात्मा की तरफ से हो रहा है। सृष्टि की किसी ओनी में भी जाइए, पशु पक्षी भी अपने बच्चे को खिला करके पहले खिलाते हैं, क्योंकि उसके अंदर इतनी वात्सल्य की करुणा पैदा होती है कि माँ सोचती है कि मैं भूखा रह जाऊं। गाय को देखिए, जिस दिन बच्चा देती है उसको अपने बच्चे की इतनी चिंता होती है कि किसी को छूने नहीं देती। वो करुणा कहाँ से आई? वो देने वाला कौन है? और तो और छोड़िए, सिंघनी भी जिस दिन अपने बच्चे को पैदा करती है उस दिन उसे चिंता रहती है कि मैं अपने बच्चों की देखभाल कैसे करूं।
पर्दे के पीछे से होकर सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सारा कुछ कर कार्य कर रहा है, लेकिन हर प्राणी को माँ की भूमिका में रखता है, पिता की भूमिका में रखता है और गुरु की भूमिका में रखता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? जो अंधेरे से उजाले में ले जाए। देखिए, चींटी से लेकर जितने प्राणी हैं, ऐसे तो 84 लाख योनि कही जाती है, केवल कहने के लिए अनंत प्राणियों की योनि है, मनुष्य की बुद्धि उनका आकलन नहीं कर सकती। हर प्राणी अपने समान दूसरे प्राणी को जन्म देता है, यहां तक कि पेड़ पौधे भी अपने समान दूसरे पेड़ पौधों को जन्म देते हैं। लेकिन एक गुरु ही ऐसा तत्व है जो सबसे अलग कर देता है। देखिए, एक कुतिया भी कुत्ते को बेहतर कर देती है, वो भी तो एक बच्चे की माँ है। गाय भी बछड़े को बछिया को पैदा कर देती है, वो भी माँ है। उसका जो पुरुष होता है वो पिता की भूमिका निभाता है, लेकिन ये परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करा सकते। ये नहीं बता सकते कि लाखों जन्मों से तुम्हारे जीव के अंदर कौन सा विकार चल रहा है और उन विकारों से परे होकर तुम शाश्वत मुक्ति को कैसे प्राप्त करोगे। मान लीजिए आप पूरे पृथ्वी के एक छत्र चक्रवर्ती सम्राट हो गए, तो भी क्या मिलेगा आपको? एक दिन मरना पड़ेगा। मरेंगे तो क्या दिखेगा? यदि आपने शरीर रहते परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया तो परमात्मा का स्वरूप नजर आएगा, नहीं किया तो आपकी जो आसक्ति परिवार में अटकी हुई है, समाज में अटकी हुई है, सांसारिक सुखों में अटकी हुई है, वह आसक्ति इस सृष्टि में आपको पुनः शरीर धारण करने के लिए विवश करेगी, और इसलिए पुनः अपि जननम पुनः अपि मरणम, बार बार जन्म लेने और मरने का चक्र बना रहता है। माता के गर्भ में कितना कष्ट होता है। अभी यहाँ सारी खिड़कियाँ बंद कर दिया जाए, हवा के लिए जगह न हो, तो सोचिए क्या हालत होगी। माता के गर्भ में बालक 9 महीने तक कैसे रहता है, किसी ने सोचा है? यदि हमारे अंदर तृष्णा रह गई तो माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, चाहे पशु पक्षी के रूप में हम के गर्भ में आए, चाहे मनुष्य की योनि में आए, कोई हमें बचा नहीं सकता है। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि राम रहीम के कारनामों को देखकर, आसाराम बापू जी के व्यवहार को देखकर बुद्धिजीवी वर्ग में एक धारणा हो गई है कि गुरुवाद समाप्त होना चाहिए। गुरु तत्व अलग है, गुरुडम अलग है और सदगुरु तत्व अलग है। गुरु का सामान्य अर्थ होता है जो हमें अंधेरे से उजाले में ले जा रहा है वो गुरु है। माता किसी भी शिष्य के प्राथमिक गुरु माता ही होती है, दूसरा गुरु पिता होता है, क्योंकि 8 साल पहले वो गुरु के सानिध्य में नहीं जाता, 8 साल के पश्चात वो किसी आचार्य शिक्षक की शरण में जाता है। इसके पहले सारी शिक्षा दीक्षा माता के ऊपर निर्भर करती है, पिता के ऊपर निर्भर करती है। माता पिता का जैसा व्यक्तित्व होता है उनकी संतान भी वैसी ही होती है। जब 8 साल की आयु में कोई बालक शिक्षक के प्रति समर्पित होता है तो वहां से उसको ज्ञान का प्रकाश मिलने लगता है। मैंने अभी कहा जन्म देने पालन पोषण करने का कार्य सभी योनियों में होता है, ज्ञान देने का कार्य केवल गुरु के ही माध्यम से होता है। ब्रह्म अनंत ज्ञान का सागर है, लेकिन परमात्मा एक एक व्यक्ति के आगे आकर के तो ज्ञान का प्रकाश नहीं बांटेगा। जैसे उसने अपनी कृपा दृष्टि से किसी को माता की भूमिका सौंप दी, किसी को पिता की भूमिका सौंप दी, तो जो सृष्टि जो प्रवाह चल रहा है सृष्टि का, प्राणियों की उत्पत्ति का, पालन पोषण का, जो ब्रह्म का स्वाभाविक गुण है, उसने मनुष्यों के माध्यम से कर दिया। अब वो गुरु के माध्यम से क्या करेगा? प्रकाश देगा। लेकिन आज गुरु के नाम पर गुरुडम फैल गया है। जैसे आज के दिन जो बड़ी बड़ी हस्तियां होंगी, बड़े बड़े महाराज होंगे, उनके चरण धोकर कोई पी रहा होगा, कोई आरतियां उतार रहा होगा, कोई जय जयकारे कर रहा होगा, ये गलत है। वेद शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि गुरु के चरण धोकर पीजिए, उसकी आरती कीजिए या उसको परमात्मा से श्रेष्ठ मनाए मानिए। ये कबीर जी ने जरूर कह दिया है कि गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंदी को बताए। ये उनके हृदय की भावुकता है। वेद शास्त्रों में क्या लिखा है?
बहुत शास्त्र गुरु उपासने अपि षट पदवत, जैसे भौरा अनेक फूलों से पराग चूसता है, उसी तरह से जिज्ञासु को चाहिए कि अनेक शास्त्रों का अध्ययन करे और अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करे। जयद्रथ ने द्रोणाचार्य से पूछा कि आचार्य, आपने अर्जुन को हमसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे बना दिया? द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो, शिक्षा तो दोनों को मैंने समान ही दी थी, लेकिन अर्जुन केवल मेरी ही शिक्षा से संतुष्ट नहीं हुआ, उसने यम से ग्रहण ज्ञान ग्रहण किया, इंद्र से लिया, भगवान शिव को उसने प्रसन्न किया और अपने ज्ञान में वृद्धि की। लेकिन तुम इसी ज्ञान से संतुष्ट होकर बैठे रहे तो आगे नहीं बढ़ पाए। अब प्रश्न यह है कि इनकी आवश्यकता क्या है? हम पुस्तकालयों में बैठकर सारी किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बात बताइए, योग दर्शन की टीका रटकर आप योग दर्शन के विद्वान तो बन सकते हैं, योगी नहीं बन सकते। योगी बनने के लिए तत्व विज्ञानार्थ सह गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। जब तक किसी तत्वदर्शी ब्रह्मज्ञानी के पास समित पाणी, समित पाणी का तात्पर्य है हाथ जोड़कर प्रणाम करना, श्रद्धा पूर्वक ज्ञान की जिज्ञासा लेकर, परमात्म तत्व को जाने की जिज्ञासा लेकर आप नहीं जाएंगे तब तक आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। छांदोग्य उपनिषद में एक प्रसंग आता है, सनत कुमार के पास नारद जी जाते हैं, नारद का अर्थ ही होता है जो ज्ञान देता है, और वे देवताओं में देवर्षि माने जाते हैं। सनत कुमार पूछते हैं, बताओ नारद, तुमने क्या क्या पढ़ा है? नारद जी कहते हैं कि महर्षि, मैं चार वेद अंग उपांग सहित पढ़ा हूँ। फिर भी सनत कुमार उनको ब्रह्म तत्व का उपदेश देते हैं, चारों वेद पढ़ने के बाद अंग उपांग सहित शिक्षा कल्प निरुक्त छंद ज्योतिष व्याकरण और छह अंग छह शास्त्र के साथ चारों वेद पढ़ने के बाद भी नारद जी अधूरे हैं, उनको जाना पड़ता है। किसके पास ज्ञान लेने के लिए? सनत कुमार के पास। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? एक चीज मैं कह दूं, योग दर्शन का एक पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। परंपरा से जो चला आ रहा है उसको आंख मूंद करके ध्यान के बारे में मानना पड़ता है। ध्यान में रिसर्च नहीं हो सकती, जो शाश्वत सत्य है वो एक बार ही होता है। आजकल नए नए योगी पैदा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम योग में खोज कर रहे हैं, हमने इतने योग आसनों का आविष्कार किया, हमने इतनी आविष्कार किया। आप बताइए, क्या समाधि का भी कोई आविष्कार कर सकता है? 1,96,08,53,000 वर्ष पहले जैसी समाधि लगाई जाती थी, आज भी उसी प्रक्रिया से समाधि लगाई जाती है। जो योग के नियम होते हैं शाश्वत होते हैं, परमात्मा को पाने का मार्ग शाश्वत होता है, और किसी भी ग्रंथ में सारी बातें कहीं नहीं लिखी है। मैंने भी सोचा था कि निजानंद योग में सब कुछ लिख दूं ताकि किसी को पूछने की आवश्यकता न पड़े, लेकिन मेरी इच्छा भी पूरी नहीं हुई। कुछ न कुछ रह ही जाता है, और ये प्रकृति का विधान है। पूरे योग दर्शन के एक एक शब्द को रट जाइए, व्यास भाष रट जाइए, लेकिन कुछ न कुछ कमियां बाकी रह जाएंगी और वह पूरी होगी एक महान व्यक्तित्व की छत्र छाया में। आप सोचिए इसकी क्या आवश्यकता है? आप कह सकते हैं, मैं ये कहता हूँ, जिस दिन समाज अपने माता पिता का सम्मान करना बंद कर देगा, अपने गुरुजनों का सम्मान करना बंद कर देगा, उस दिन संसार को विनाश से बचाने वाला कोई भी नहीं है। गुरु क्या करता है? एक बात इतिहास की याद रखिए, जो सच्चा अध्यात्मवादी गुरु होता है वो अपने शिष्य से कुछ नहीं चाहता, एक दिन का भी नहीं चाहता। और इतिहास में ये हमेशा मिलेगा, शिष्यों ने अपने गुरुओं को मारा है, गुरुओं ने कभी शिष्य को नहीं मारा है। दयानंद को जहर किसने दिया? उनके रसोइये ने। शंकराचार्य को विष किसने खिलाया? उनके शिष्यों ने। गौतम बुद्ध के शिष्य ने भोजन में जो विषैला हो गया था, अनजाने में हो गया था, जानबूझ कर नहीं दिया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? उनके शिष्य के दिए हुए भोजन से हुई।
गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कैसे हुई? उनके शिष्य बनकर दो पठानों ने उनकी हत्या की थी। ईसा मसीह को किसने पकड़वाया? उनके शिष्यों ने पकड़वाया। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने दयानंद को विष दिया, दयानंद कहते हैं कि जगन्नाथ तुम अभी भाग जाओ नेपाल, नहीं तो लोग तुमको मार डालेंगे। जो शिष्य जहर देकर मार रहा है, दयानंद उसको बचा रहे हैं। धृष्टद्युम्न को चाहते तो द्रोणाचार्य मार सकते थे, लेकिन उसको विजयी भव का आशीर्वाद देते हैं। वो जानते हैं कि धृष्टद्युम्न ने मुझे मारेगा। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य की गर्दन काटी, द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न की गर्दन नहीं काटी। वो चाहते तो पांचों पांडवों को कभी मार सकते थे, लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो प्रकाश में जीता है, शिष्य अंधकार में जीता है। शिष्य क्या दे सकता है उसको? दो चार बार प्रणाम कर लेगा, कुछ धन संपदा भेंट सकता है, दे सकता है, लेकिन जिसने इस भवसागर से पार होने का मार्ग बताया, उसके ऋण को तो कोई नहीं पूरा कर सकता। सबसे बड़ी बात, मान लीजिए आपने योग दर्शन पढ़कर सब समाधि के बारे में जान लिया, सीख नहीं सकते, आपके अंदर श्रद्धा कहां से आएगी, समर्पण कहां से आएगा? आपने गर्दन किसी के आगे झुकाए नहीं, किसी की सेवा की नहीं, तो आपको धन का अहंकार हो सकता है, अपने रूप का अहंकार हो सकता है, अपने पद प्रतिष्ठा का अहंकार हो सकता है। जब तक इन सारे अहंकारों को छोड़कर आप समर्पित नहीं होना सीखेंगे, तब तक आपकी समाधि लगेगी कहाँ से? योग दर्शन का एक बहुत बड़ा सूत्र है, महत्वपूर्ण, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की प्राप्ति कब होगी? परमात्मा पर सर्वस्व समर्पण। आप संसार के सारे ग्रंथों को पढ़ जाइए, सारी तपस्याएं कर लीजिए, हिमालय में हड्डियां गला लीजिए, लेकिन यदि परमात्मा पर आपने समर्पित होना नहीं सीखा है, तो आपकी समाधि लगेगी नहीं। चाहे लाख सालों तक आंख मूंद करके बैठे रहिए, समाधि कभी नहीं लगेगी। यदि आपने समर्पण सीखा है, किसी का आदेश मानना सीखा है, किसी के चरणों में शीश झुकाना सीखा है, वो गुरु, ऐसी परंपरा क्यों बनाई गई? देखिए, जो अध्यात्मवादी ऋषि मुनि होते हैं, परमहंस होते हैं, उनको भी मालूम होता है कि सबके अंदर एक ही चेतना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जो गुरु के अंदर चेतना है, शिष्य के अंदर भी वही चेतना है, लेकिन शिष्य के अंदर की जो चेतना होती है अंधकार में भटक रही होती है, उसको समर्पण सिखाना होता है, उसको अहंकार छोड़ना सिखाना होता है। इसलिए विधान बनाया गया कि आप जब अपने पथ प्रदर्शक के पास जाइए, तो श्रद्धापूर्वक प्रणाम कीजिए। श्रद्धा से प्रणाम करेंगे तो आप चक्रवर्ती राजा हैं, ये भी अहंकार चला जाएगा। आप कितने सुंदर हैं, ये भी अहंकार चला जाएगा। आपके पास कितना धन है, ये भी अहंकार चला जाएगा। और जब ये चला जाएगा, ध्यान में बैठेंगे तो समाधि की प्राप्ति हो जाएगी और आपको परम तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। अन्यथा क्या है? मीराबाई ने गुरु किसको किया? रविदास को। मीराबाई कहाँ, एक राजघराने की राजवधु, और उनके गुरु रविदास जी क्या हैं? जूते बना रहे हैं। आप बताइए, आज की भाषा के अनुसार छोटी जात के व्यक्ति को एक राजघराने की बहू गुरु बना रही है, चरणों में शीश झुका रही है, क्यों? क्या देखा था उन्होंने? लेकिन मीरा के इस त्याग ने मीरा को कहां से कहां पहुंचा दिया। आप सोचिए, क्या चाणक्य नहीं होते तो चंद्रगुप्त भारत का सम्राट बन सकते थे? चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया। व्यक्तित्व का निर्माण कौन करेगा? यदि विरजानंद नहीं होते तो दयानंद का निर्माण नहीं होता। और गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम का निर्माण किया। विश्वामित्र, वशिष्ठ और अगस्त ऋषि की छत्रछाया में राम के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। अयोध्या के महलों में राम के व्यक्तित्व का निखार नहीं हो सकता था। जीवन का हर पल कितना मूल्यवान होता है, यह हमारा पथ प्रदर्शक जानता है, और जानता है कि यदि इसके अंदर श्रद्धा का प्रकाश आ गया, तो इसको परमात्मा का साक्षात्कार होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। अष्टावक्र जी आते हैं, जनक को क्या चाहिए कि घोड़े पर चढ़ने में जितना समय लगता है, उतने ही समय के अंदर मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए।
अष्टावक्र कहते हैं कि मिल जाएगा, पहले मुझे दक्षिणा दो और दक्षिणा में तुम्हें मुझे अपना मन देना पड़ेगा। ये कहकर के अष्टावक्र चले जाते हैं। जनक सोचते हैं कि मैंने तो अपना मन दे दिया, अब इस मन से मैं कुछ भी सोचता हूं कि मैं जनक हूं तो मुझे दोष लग जाएगा। सोचना विचारना बंद और वहीं आसन पर अपनी सैया पर बैठे बैठे समाधिस्थ हो जाते हैं। 72 घंटे बीत जाते हैं। 3 दिन के बाद आते हैं अष्टावक्र, कहते हैं कि उठो जनक। कहते हैं कि गुरुदेव मैं कैसे उठूं, मैंने तो मन दे दिया है। कहते हैं कि मेरे आदेश से उठो। उठते हैं, कहते हैं कि क्या जनक तुम्हें ब्रह्म ज्ञान चाहिए? कहता है कि नहीं गुरुदेव, मुझे सब कुछ मिल गया है जो सारे जीवन में नहीं मिला था। केवल 3 दिनों के अंदर जनक को प्राप्त हो गया। किस बात पर? कि उन्होंने अपना मन दे दिया था। एक सूफी फकीर हुई है, सऊदी अरब में पैदा हुई थी, उनका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या कहा है, अपना हृदय हथेली पर, अपना दिल हथेली पर लेकर अल्लाह को दे दो, परमात्मा को दे दो। यही तो नहीं होता, परमात्मा को कोई अपना हृदय नहीं देना चाहता। लोगों की भीड़ कहाँ लगती है कि जो परमात्मा हमारे धन दे दे। वैष्णो माता के मंदिर में भीड़ लगती है क्योंकि मनोकामना पूरी होती है। ये दक्षिण भारत में तिरुपति के मंदिर में भीड़ लगती है कि हम 1 लाख देंगे तो 4 लाख मिल जाएगा। आजकल नए भगवान साईं बाबा इसलिए प्रसिद्ध हो गए हैं, लोग स्वार्थ के कारण जाते हैं, भक्ति के कारण नहीं। वो सोचते हैं कि साईं बाबा चमत्कारिक हैं, हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। ये स्वार्थ का व्यापार चल रहा है, इसमें आध्यात्मिकता नहीं है। सच्चा गुरु क्या करता है, उसके अंदर के विकारों को दूर करेगा, अहंकार को दूर करेगा, जो जन्म जन्मांतर की संचित वासनाएं हैं उसको दूर करेगा किसी माध्यम से। पहले प्रजापति ऋषि के आश्रम में विरोचन और इंद्र जाते हैं, 33-33 वर्ष तक दोनों सेवा करते हैं। आप सोचिए, देवताओं के राजा इंद्र हैं, जब गुरु के आश्रम में गए हैं तो उनको सेवा करनी पड़ रही है, छोटी से छोटी सेवा। ये सेवा क्यों करवाई जा रही है? गुरु को स्वार्थ नहीं होता सेवा कराने का, इसलिए कि अहंकार किसी तरह से समाप्त हो जाए। मनुष्य की राह में यदि सबसे बड़ी बाधा है तो अहंकार की। हिमालय के तपस्वी को भी अहंकार होता है कि मैं हिमालय का तपस्वी हूं। कोई कठोर ब्रह्मचारी का पालन कर लेगा तो सोचेगा कि मैं तो कठोर ब्रह्मचारी हूं। ज्ञान का, योग का, तप का, विद्या का, प्रतिष्ठा का, रूप का अहंकार मनुष्य को बाधित किए रहता है। किंतु जब वो किसी अध्यात्म के वादी के चरणों में जाकर अपना शीश झुका देता है, सोचता है कि ये प्रकाश का स्रोत है, मुझे अभी इससे कुछ सीखना है, यही उसके अहंकार का दमन होता है और तब वो समाधि के योग्य होता है। अन्यथा आप हिमालय की गुफाओं में सारा जीवन व्यतीत कर दीजिए, बर्फ के पहाड़ों में बने रहिए, दुनिया आपकी पूजा तो करेगी लेकिन आप समाधि प्राप्त करके ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। सबको मालूम है, ऐसा नहीं है कि केवल वाणी में लिखा है कि सतगुरु मेरे श्याम जी, योग दर्शन में भी लिखा है, सहस परवेशम अपिग्रह कालीन अन्वेच्छदात, जो काल की परिधि से परे है वही परमात्मा ही सबका गुरु है। आप सोचिए, श्री देवचंद जी भी एक बालक होते हैं, वो भी खोज करने जाते हैं, उनके अंदर श्यामा जी की आत्मा है। मिहराज भी सतगुरु धनसिंह देवचंद जी के चरणों में आते हैं। सबको ज्ञान देने वाला कौन है? वही हमारी आत्मा का प्रीतम, जिसको कहते हैं प्राणना, जिसको कहते हैं राज्य। वही देवचंद जी को ज्ञान का प्रकाश देते हैं, वही मिहराज के अंदर भी ज्ञान का प्रकाश देते हैं सतगुरु धनसिंह देवचंद जी के माध्यम से। और जब इंद्रावती की आत्मा हफ्से में तड़पती है तो साक्षात युगल स्वरूप उनके धाम हृदय में विराजमान होते हैं। हफ्से में मिहराज को ले जाना अनिवार्य है क्योंकि विरह में तड़प कर उनके अंदर के विकार दूर होंगे। विरह की अग्नि में तड़प करके ही किसी को अध्यात्म की संपदा प्राप्त होगी। 6ठे दिन की लीला में हर सुंदर साध को सिखापन देनी है और मिहराज के तन से वो लीला करानी है। इसलिए मूल स्वरूप के आदेश से ऐसी लीला कराई गई ताकि वो सबका पथ प्रदर्शन कर सके। 6ठे दिन की लीला में एक बहुत विकृति चल गई है। यदि किसी तन को कुछ उपायों का अर्थ मालूम हो जाता है अच्छाई से तो तन घोषित करता रहता है कि मैं राज्य हूं,
और दूसरों को वो सेवक बना लेता है, ये भूल है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए हर ब्रह्मात्मा के हृदय में युगल स्वरूप की हम छवि को देखें, और जब हमारी यह प्रवृत्ति हो जाती है तो छोटे और बड़े की भावना समाप्त हो जाती है। हाँ, केवल यह होना चाहिए कि यदि समाज हमें गुरु कह रहा है तो दूसरों को हम छोटा न समझें। मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। एक बार परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को देखकर चमेल जी ने कुछ हंसी कर दी थी। चमेल सिंह जी नए नए थे, धीरे धीरे बात होने लगी। चमेल सिंह महाराज जी के चरणों में आए, सतगुरु मानने लगे, ध्यान में डूबने लगे। एक दिन ऐसा आया कि चमेल सिंह को लगा कि सब झूठा है। कमरा बंद कर 7 दिन 7 रात लगातार चितवनी में डूबे रहे। महाराज जी ने दरवाजा खोला, महाराज जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, दोनों गले मिले और चमेल सिंह ने शरीर छोड़ दिया। अब यहाँ न कोई गुरु रहा, कोई सदगुरु रहा, न कोई शिष्य रहा। हमारी संस्कृत कहती है सर्वभूतेश आत्मानम, स्वयं को सभी प्राणियों में जो देखता है। सर्वभूतान च आत्मन, और अपने अंदर सभी प्राणियों को देखना, सब में स्वयं को देखना और सबको अपने में देखना। इसका आशय क्या है? जो मेरे अंदर है चेतना, वही सभी प्राणियों के अंदर है। जो अध्यात्मवादी पथ प्रदर्शक इस सत्य को जानता है, वह क्यों कहेगा तुम मेरे शिष्य हो, तुम मेरे से छोटे हो, मेरे पांव दबाओ, मेरे लिए भेंट दो। मैंने कहा कि गुरुडम जो चल पड़ा है कि शिष्यों से भेंट दक्षिणा लेकर राजाओं की तरह ऐश्वर्य का भोग करना, ये गलत है। सन्यासी को अधिकार नहीं है। बुद्ध को देखिए, करतल भिक्षा तुरतल वास। बुद्ध के चरणों में बिंबसार जैसे सम्राट आते हैं, बुद्ध क्या लेते हैं? भिक्षा में कोई ज्यादा मिल जाता है तो लौटा देते हैं। वृक्षों के नीचे ही बुद्ध का सहन है, जो हाथ में मिल गया खाते हैं। बुद्ध ने संसार को क्या ज्ञान दिया, ये इसका मूल्यांकन देश नहीं कर सकता। दयानंद को 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला, एक किसान से कच्चे बैगन मांग कर खाए। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी एक बार सुंदर साथ के घर गए थे। उस घर की जो महिला सुंदर साथ थी वो महाराज जी को मानती थी, पति नहीं जानता था। उस जानते हैं उस व्यक्ति ने कहाँ ठहराया? महाराज जी को कह दिया कि गौशाला में सो जाइए, पराली बिछा दी और एक फटा कंबल सा दे दिया, और खाना भी रूखा सूखा थाली में दे दिया। कहता है कि बाबा जी खा लो, और फटा कंबल दे दिया था। क्या महाराज जी ने कोई गिला शिकवा किया? जिनके चरणों की छत्र छाया में लाखों सुंदर साध को परम धाम का ज्ञान मिला, वो तो गौशाला में भी रात को गुजारा कर लेगा। सारी बातों को छोड़िए, जिस महामती जी के तन से परम धाम की वाणी उतरती है, वह तन 5000 शिष्यों की जमात के साथ गांव गांव नगर नगर घूमा। हम अभी इस कक्ष में बैठे हैं, पंखे चल रहे हैं। आप सोचिए, मई जून की तपती दोपहर में श्री जी महाराष्ट्र में भी घूमे हैं, मध्य प्रदेश में घूमे हैं, राजस्थान में घूमे हैं। तपती दोपहर में उस जमाने में तो पैदल चलना होता था, वृक्षों के नीचे रात गुजारनी होती थी। 5000 के लिए भोजन कहाँ से ढो करके कोई लेकर चलता होगा? आजकल की तरह तो ATM का जमाना नहीं था कि कहीं से जाकर पैसा निकाल लें, मार्केट से खरीद करके लाएं, भोजन बनाएं। भिक्षा मांग कर लाया जाता है, और जिस तन में पांचों शक्तियों के साथ अक्षरातीत बैठे हैं, वह तन भिक्षा में मांगा हुआ भोजन ग्रहण कर रहा है, क्या सिखापन देने के लिए? और जिनको अपनी कृपा दृष्टि से उसने परम धाम का मार्ग दिखाया हो, यहीं बैठे बैठे परम धाम सुंदर साथ जो देखते थे वही कहते थे कि ये तो प्राणनाथ जी अपने को बहुत बड़ा मानने लगे हैं, अक्षरातीत मानने लगे हैं। तो भी एक क्रंदन उतरता था, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको कि ये जो खलक हुआ। आप सोचिए, यदि श्री जी की कृपा नहीं होती तो आज हमारा क्या हाल होता? यदि परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी की कृपा नहीं होती तो क्या हाल होता? यदि इस देश में गौतम बुद्ध पैदा नहीं होते, शंकराचार्य नहीं होते, दयानंद नहीं होते, विवेकानंद नहीं होते, तो इस देश का क्या हाल होता? यदि संसार में कोई किसी का सम्मान ही न करें, संतान अपने माता पिता को प्रणाम करना बंद कर दें, उसका आदेश न माने,
विद्यार्थी अपने आचार्य का सम्मान न करना सीखे तो क्या होगा? सृष्टि का विनाश हो जाएगा। हर व्यक्ति कहेगा कि हमें किसी से पूछने की क्या जरूरत है, हम तो वाणी पढ़ लेंगे, हम तो लाइब्रेरी में पढ़कर सारी किताबों को पढ़कर खुद विद्वान हो जाएंगे। आप याद रख लीजिए, आप 18,758 चौपाइयाँ याद कर सकते हैं, दुनिया की सारी लाइब्रेरियों को पढ़कर सारे ग्रंथों को पढ़ करके सुना सकते हैं, लेकिन आप महान नहीं बन सकते। महान बनने के लिए किसी गुरु के निर्देशन में आपको कुछ दिन रहना ही पड़ेगा, तभी आपके अंदर का अहंकार जाएगा। नहीं तो विद्या का अहंकार इतना बड़ा होता है कि मनुष्य की बुद्धि को विचलित कर देता है। चक्रवर्ती सम्राट जब तक अपना स्वर्ण मुकुट सहित शीश किसी योगी के सामने झुकाता नहीं, वो समाधि का अधिकारी नहीं होगा, क्योंकि उसने दूसरों पर शासन किया होता है। ये परंपरा बनाई गई है ताकि मनुष्य का अहंकार मिले। आप सोचिए, जो श्री जी छत्रसाल जी को वरदान दे सकते हैं कि अपना घोड़ा दौड़ा लो, हीरे निकल जाएंगे, उससे तुम सेवा करना, वो श्री जी पहले भी तो मंदसौर में भी एक चमत्कार कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। उन्होंने कहा कि सब लोग भिक्षा मांग कर लाओ, और पन्ना जी पहुंचने तक भिक्षा में मिले हुए अन्न का भोजन करते रहे। क्यों? ताकि सबके अंदर का अहंकार चला जाए, चाहे मुकुंद दास जी हों, चाहे लाल दास जी हों, चाहे भीम भाई हो, क्योंकि कोई करोड़पति है, कोई वेदांत का विद्वान है, कोई ग्रंथों का विद्वान है, सबके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की ग्रंथि बनी हुई है। उस विकार को निकालकर प्रेम के मार्ग पर चलाने के लिए राज जी ने ऐसी लीला रची। जैसे मैंने कहा, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जो राम रहीम ने मार्ग अपनाया, आसाराम बापू ने मार्ग अपनाया, या कबीर के उस पंत बाबा जी ने रामपाल ने मार्ग अपनाया, उसी को देखकर हिंदू समाज का एक बार घृणा करने लगा है कि ये गुरु लोग ही समस्या की जड़ होते हैं। अनेक पंथों में ये प्रवृत्ति चल पड़ी है, लेकिन आप ये सोचिए, सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से ज्ञान का प्रकाश आपको देता है, और जहाँ से भी ज्ञान मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। आप संभव है आज पीएचडी आप कर रहे हैं, आपने प्राइमरी में किसी और गुरु से पढ़ा होगा, मिडिल में किसी और गुरु से पढ़ा होगा, कॉलेज में किसी और से पढ़े होंगे। जिसने जिसने आपको ज्ञान दिया है, यदि वो आपके सामने आ जाए तो क्या आप उनको अभिवादन नहीं करेंगे? क्या मुँह फेर लेंगे? एक बार लाल बहादुर शास्त्री जा रहे थे, उनके साथ गाड़ियों का काफिला था। अचानक सारी गाड़ियां रुकी गई, सब लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये गांव के बिहड़ इलाके में प्रधानमंत्री का काफिला कैसे रुक गया। लाल बहादुर शास्त्री ने देख लिया था कि प्राइमरी में, प्राइमरी समझते हैं ना, पहली से पांचवी क्लास में जो गुरुजी उनको पढ़ाते थे वो लाठी के लेकर चले आ रहे थे, बूढ़े हो गए थे। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री अपनी कार से उतरता है और अपने गुरु के चरणों में साष्टांग लेट जाता है, यही तो मानता है। यदि वो सोचते कि अरे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, ये क्या लाठी लेकर बूढ़ा चला आ रहा है, तो आज लाल बहादुर शास्त्री को इतनी श्रद्धा से कोई सम्मान नहीं करता। छत्रसाल जी का सम्मान क्यों किया गया? छत्रसाल जी ने श्री जी को पालकी में तो बैठा कर कहाँ उठाई ही, उनके दरबार में जब शिवा जी के कवि पहुंचे, भूषण कवि, तो भूषण को पता नहीं चला। महाराजा छत्रसाल जी ने कहार को हटाकर अपना कंधा उसमें दे दिया। भूषण के मुख से निकला कि शिवा को सराहूं कि सराहूं छत्रसाल को, यही महानता है। एक महान योद्धा, महान शासक, एक कवि की पालकी में कंधा देता है तो निश्चित ही वो महान है। मनुष्य महान कब बनता है? अकड़ से कभी मनुष्य महान नहीं बनता। आप दुर्योधन को देखिए और युधिष्ठिर को देखिए। दुर्योधन भीष्म पितामह का अपमान करता है, द्रोणाचार्य का अपमान करता है, कृपाचार्य का अपमान करता है, सबको फटकारता है, किसी के मुख से उसके लिए आशीर्वाद का एक शब्द भी नहीं। यहाँ तक कि उसकी संगी माँ गांधारी भी विजयी भाव का आशीर्वाद नहीं देती है, और युधिष्ठिर को गांधारी भी आशीर्वाद देते कि विजयी भव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सभी आशीर्वाद देते हैं कि
विजयी भाव क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर में विनम्रता है। मनुष्य की महानता किससे होती है? ये वाल्मीकि रामायण में एक वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण, ये सामने विद्या न तो पूर्ण दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत लोके भू भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। जिनके पास ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, तप नहीं, विद्या नहीं, वो क्या है? पृथ्वी पर बोझ है, पुच्छ विषाण है ना। उनमें और पशु में केवल इतना ही अंतर है कि पशु में पूछ और सिंह होती है और उस व्यक्ति में पूछ और सिंह नहीं है। मनुष्य को देवता बनाने वाला कौन है? गुरु। देवत्व से ऊपर उठाकर ब्रह्म का साक्षात्कार कराकर लौह अग्निवत ब्रह्म की साधर्मिता को प्राप्त करने वाला कौन है? गुरु। इसलिए उसके ऋण को धन से नहीं दिया जा सकता। जो सच्चा गुरु होगा धन नहीं कभी मांगेगा, पद नहीं मांगेगा, प्रतिष्ठा नहीं मांगेगा, क्योंकि वो तो इन चीजों को पहले ही छोड़ चुका होता है। हाँ, ये जरूर है आजकल जो गुरुडम फैला रहे हैं, जो कहते हैं कि मेरे सिवाय किसी की बात ना सुनो, वो गुरुडम फैलाते हैं। सच्चा गुरु यही कहेगा कि मुझे इसका ज्ञान नहीं है, तुम अवमुख के पास जाकर ये ज्ञान ग्रहण कर लो। वो शिष्य का अर्थ क्या होता है? शिष्य का अर्थ होता है गुरु के द्वारा जो प्रकाश का स्रोत है ज्ञान का, भक्ति का, सील का, सदाचार का, उसका अनुसरण करने वाला शिष्य कहलाता है। शिष्य का तात्पर्य है पीछे पीछे चलने वाला, यानी मार्गदर्शक जो बताता जा रहा है कि मैंने इस मार्ग से चलकर सत्य को प्राप्त किया है, तुम भी मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। और यदि वो उसका अनुशासन मानता है, प्रेम के रास्ते पर चलता है, तो क्या है? कबीर जी ने तो कह दिया है कि सिर दिए सतगुरु मिले तो भी सौदा सस्ता जान। लेकिन भारतीय संस्कृति तो कहती है कि आप अपने पथ प्रदर्शक का अपमान न कीजिए, उसका सम्मान कीजिए। उसको आपसे कोई धन नहीं चाहिए। आप बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बन चुका है, लेकिन चाणक्य उसके राज खजाने का एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता है। यहां तक कि दीपक जलाने का भी पैसा खुद आचार्य चाणक्य पढ़ाते हैं, और जो दक्षिणा मिलती है उसी से भोजन करते हैं, उसी से अपने कमरे का दीपक जलाते हैं। चाणक्य चंद्रगुप्त के गुरु हैं, चंद्रगुप्त को डांट भी देते हैं, लेकिन जहां न्याय की बात है, चंद्रगुप्त से एक रुपया भी जीवन में चाणक्य ने अपने लिए नहीं लिया। ये सच्चा गुरु होता है। चाणक्य की तुलना आप राम रहीम से नहीं कर सकते, चाणक्य की तुलना आप रामपाल और आसाराम बापू से नहीं कर सकते हैं, जो शिष्यों का धन हरण करते हैं। धन हरण करने वाले के लिए यह गुरु शब्द नहीं है। गुरु तो उसको कहते हैं जो अपने हृदय का ज्ञान, अपने अनुसरण करने वाले, सत्य का मार्ग की राह पर चलने वाले के अंदर प्रकाशित कर दे, वो गुरु होता है। और जो परम तत्व का मार्ग दर्शाए वो सदगुरु कहलाता होता है। आज गुरु पूर्णिमा पर मैं विशेष बातें ये कहना चाहूंगा कि राज्य ही आपके सर्वस्व हैं, राज्य आपकी आत्मा के प्रीतम है। राज्य ने श्री देवचंद जी के तन में विराजमान होकर तारतम ज्ञान का अवतरण किया, महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम की ब्रह्मवाणी का अवतरण किया, और परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के धाम हृदय में बैठकर परम धाम की आत्माओं के लिए एक मार्ग दर्शाया कि संसार में हमें माया में रहते हुए माया से कैसे परे होना है। आप इनके पद चिन्हों पर चले। जहां तक मैं सोचता हूं, परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी के, गोपाल मणि जी महाराज के, या जो भी परमहंस हुए हैं, जहां चरण कमल पड़ गए होंगे इस धरती पर, उस धरती की धूल का एक कण भी मैं नहीं बन पाऊंगा कभी भी जीवन में। और मैं ये भी बता दूं, न तो मैं कभी गुरु था, न हूं, न कभी होऊंगा। मैं कभी अपने को समाज का गुरु नहीं मानता। हाँ, जो सतगुरु महाराज ने मूल स्वरूप ने जो आदेश दे रखा है, मैं थोड़ा बहुत चलने का प्रयास करता हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई आकर मुझे प्रणाम करे या हमको गुरु माने, सम्मान करे। राजन स्वामी इसलिए पैदा नहीं हुआ कि लोग सम्मान दें, प्रणाम करें। मुझे बहुत बुरा लगता है, कष्ट भी होता है,
क्योंकि मेरा लक्ष्य केवल वाणी फैलाना, सबके हृदय में युगल स्वरूप की छवि को बसाना। संसार की प्रतिष्ठा, संसार का वैभव मुझे कभी आकर्षित नहीं कर सका। मैंने सगी माँ से कभी जीवन में भोजन नहीं मांगा होगा और राज्य से भी कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता। हाँ, संस्था के लिए मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जरूर कह देता हूँ सुंदर साहब से कि सुंदर साहब जी आप सेवा कीजिए, लेकिन याद रखिए राजन स्वामी के लिए एक रुपया भी कोई सुंदर साहब न खर्च करे, न सम्मान करे, न गुरु जी माने। आपके सतगुरु कौन है? राज्य। आपके सतगुरु कौन है? प्राणनाथ जी या शेरपुर वाले महाराज जी के चरणों में जिन्होंने समय गुजारा है। अपनी श्रद्धा उनके प्रति समर्पित कीजिए। आप उनसे प्रेम रखेंगे, वाणी का चिंतन करेंगे, युगल स्वरूप को हृदय में बसाएंगे तो आपकी आत्मा जागृत होगी। जो आत्मा आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। मेरे और आप में कोई अंतर नहीं है, सबके अंदर वही परम धाम की ज्योति है और सबके हृदय में हमें युगल स्वरूप की छवि को देखना होगा। मैं आशा करूँगा, अब कार्यक्रम ये देर से शुरू हुआ, समय तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, गुरुवाद अलग है, गुरु तत्व अलग है, सदगुरु तत्व अलग है। सतगुरु के रूप में स्वयं अक्षराती श्री देवचंद जी के रूप में आए, श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए और अपनी कृपा की दृष्टि जिन जिन परमहंसों के तनों में डालते रहे हैं उनके द्वारा उस क्षेत्र में जागनी होती रही है। अब वाणी का प्रकाश फैलाने का दृढ़ निश्चय सबको करना है। हम सुंदर सात आपस में प्रेम सीखें। जहाँ तक अभी प्रवीण जी ने कितनी ऊँची बात कही, विद्यार्थी भी हैं आचार्य भी हैं। यदि हम अपना जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन धन धन होगा। आप देख रहे हैं देश की सीमा पर हजारों जवान डटे हुए हैं। जैसलमेर की सीमा पर इसमें 55 सेंटीग्रेड का तापक्रम होगा तो इसमें भी लेह लद्दाख में कितनी ठंडक पड़ रही होगी। अभी जरा सी बात पर 20 जवान देश के शहीद हो गए। हमारे लिए लाखों जवान, भारत की 14 लाख सैनिकों की संख्या है, हमारे लिए प्राण अर्पित करने को तैयार हैं कि हम सुरक्षित रहें, देश की 1,37,00,000 जनसंख्या सुरक्षित रहे। हमारा उत्तरदायित्व क्या होता है? क्या हम अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को पाने के लिए 1 घंटा वाणी नहीं पढ़ सकते, 1 घंटा चितवनी नहीं कर सकते? कहते हैं कि कमर में दर्द होता है, कोई कहता है कि पीठ में दर्द होता है, कोई कहता है कि पैरों में दर्द होता है, कोई कहता है कि काम बहुत है। ये काम तो चलते रहेंगे। बच्चे भी सोचते हैं अरे कितना अच्छा होता, घर चले जाते, नौकरी करते, शादी विवाह करते, कोठी बंगला खरीदते। भाई ये तो कीड़े मकोड़ों का जीवन है। आप देश के लिए जियोगे, समाज के लिए जियोगे, संसार आपको याद रखेगा। कीड़े मकोड़े भी अपने परिवार में रहते हैं, आप देखते हैं ना, मकड़ी जाला बनाती है, सबको फंसा फंसा कर खाती रहती है, लेकिन उस जाले से कभी बाहर नहीं निकल पाती। आज सारा संसार विवेकानंद को याद करता है, गौतम बुद्ध को याद करता है, दयानंद शंकराचार्य को संसार याद करता है। आपके परिवार की 10 पीढ़ियों को आप खुद नहीं जानते, संसार क्यों जानेगा? क्योंकि आप अपने लिए जिए हैं, परिवार के लिए जिए हैं, पत्नी के लिए जिए हैं, बच्चों के लिए जिए हैं, रिश्तेदारों के लिए जिए हैं। आप राज्य के लिए जी करके देखिए, संसार के कल्याण के लिए जी करके देखिए। यदि आप संसार के अंदर ज्ञान का प्रकाश करेंगे, सबको परम धाम की राह पर चलना सिखाएंगे, खुद चलेंगे, दूसरों को चलने के लिए प्रेरित करेंगे, तो संसार हमेशा आपको याद करेगा। याद रखिए, इस कार्य में बहुत कष्ट आएंगे, अपमान के घूंट झेलना पड़ेगा, हर तरह के कष्ट आएंगे, लेकिन ये कष्ट ही तो आपको महान बनाएंगे। बुद्ध भी तो एक राजकुमार थे, पहले सिद्धार्थ के रूप में। उन्होंने कुछ नहीं लिया, चाहते तो धन संग्रह वो भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने तो सारे अपने आभूषण बांट दिए। और तप करते करते एक दिन ऐसी भी अवस्था आ गई कि शरीर के कपड़े फट गए, जीर्ण सिर शरीर नंगा हो गया, तो एक शव को जलाया गया था, शव मृतक व्यक्ति के कपड़े पहनकर उन्होंने अपने शरीर को ढका और ग्राम में जाकर भिक्षा मांगकर अपने गुजारा किया। अब सोचिए, जो राजकुमार सिद्धार्थ सोने के जो सुखदायक महलों में रहने वाला था, वो वृक्ष के नीचे घोर तप कर रहा है,
पहनने के लिए मरे हुए व्यक्ति का शरीर का कपड़ा पहनता है क्योंकि उसके पास कपड़ा नहीं है, फट चुका है। यदि राज्य की राह में आपका कुछ कष्ट भी होगा तो उसकी नजरों से क्या बाकी है जो पता ना हो। आप राज्य के प्रेम में कुछ कष्ट सहेंगे तो उसके बदले आपको अनंत गुना सुख मिलेगा। आप अपने आत्मा को जागृत करने के लिए चितवनी करेंगे, वही आपका अखंड धन है। चितवनी का ज्ञान केवल इन्हें गुने लोगों पर है। आप सारे संसार में वाणी को फैलाने का दृढ़ संकल्प लेकर क्यों नहीं आगे बढ़ते? आप सबको चितवनी के प्रेम में डुबोने के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ते? इस कार्य में कठिनाइयां आएंगी, कठिनाइयों से डरकर यदि आप घर बैठे रहेंगे तो क्या होगा? एक पीढ़ी आ रही है, दूसरी पीढ़ी चली जा रही है। देखिए कुछ सालों में जब ज्ञानपीठ की स्थापना हुई थी तो आज जो आचार्य बने हैं ये छोटे छोटे बच्चे थे। कोई 12 साल का था, कोई 13 साल का था, कोई कुछ साल का था, आज ये आचार्य बने हैं। और जो उस समय युवक थे आज 60 की उम्र को पहुंच चुके हैं। कुछ सालों के बाद क्या होगा? हमारे जीवन का एक एक पल तो बीता जा रहा है, कभी आने वाला नहीं है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है जब सुंदर सात परिवार के मुंह में इतने डूब जाते हैं। मैं कहता हूँ कि राज्य को याद कीजिए, कहते हैं कि अरे होता नहीं। घर को एक दिन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, एक न एक दिन तो छोड़ना पड़ेगा सबको। हम रोते रहे कि मौत ना आए, मौत जिस दिन आएगी हमको घर वालों से छीन करके ले जाएगी। और घर वाले छाती पीटेंगे एक दो दिन दिखाने के लिए, हफ्ते भर के बाद वो भी शांत हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे, क्योंकि उनके भी अपने अपने रिश्ते हैं। संसार में कोई किसी का नहीं है, आपका है तो केवल आपका प्राणेश्वर। उसकी वाणी को फैलाने का, उसकी चितवनी को फैलाने का यही समय है। सभी आचार्यों को इसमें योगदान देना होगा, सभी विद्यार्थियों को योगदान देना होगा। और जिसमें इस पवित्र कार्य में जो योगदान देगा उसके ऊपर वाणी में कहा है, तिन पर इमाम का बरसेगा बतनी नूर, राज्य की कृपा की अखंड वर्षा होगी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे कि मैंने बताया, जब मातृ दिवस हो सकता है, पितृ दिवस हो सकता है, तो गुरु पूर्णिमा क्यों नहीं हो सकती? इसमें ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है जिसमें हम अपने पथ प्रदर्शक का सम्मान करना सीखते हैं। जो हमें ज्ञान का प्रकाश देता हो यदि उसका सम्मान ही नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा कृतज्ञ कौन होगा। लेकिन यह ध्यान रहे, जो सच्चा अध्यात्मवादी होगा वो अपने शिष्य से कुछ भी लेना पसंद नहीं करता, वो तो देता ही है। क्योंकि जो उसने अखंड ज्ञान दिया उसको तो सारी पृथ्वी को हीरे मोतियों से भी भर कर दे दोगे तो भी उसका ऋण पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि सारी पृथ्वी का धन तो यही रह जाएगा और उसका दिया हुआ ज्ञान इस भवसागर से पार करता है। लेकिन उसके रूप में कौन देता है? स्वयं परमात्मा ही एक माध्यम बनाता है, उसको ज्ञान का प्रकाश देता है। आज वाणी हमारे सम्मुख है, हम वाणी का चिंतन करें। यह वाणी हमें परम धाम की राह दिखा रही है। वाणी को कहने वाले स्वयं अक्षरातीत हैं। हम इसकी गहराइयों में जितना डूबेंगे उतना ही हमारे जीवन का मार्ग सरल होता जाएगा। मैं आशा करूँगा कि इस क्षेत्र में भी जैसे ये कोरोना का संकट निपटता है तेजी से कार्य हो, सब सुंदर साथ अपने अपने गाँव में कार्यक्रम करें, सहयोग करें। सब सुंदर साथ छोड़ देते हैं, ज्ञानपीठ में बच्चे हैं, बच्चे तो कर ही लेंगे। इसका अर्थ ये है कि ज्ञानपीठ को आप अपना ज्ञानपीठ नहीं मानते। यदि ज्ञानपीठ को सब लोग अपना मानते तो सेवा उसको थोड़े कहते हैं कि बुलाने पर या कहने पर की जाए। मुक्ति सेवा तूने सुकूं जो तू अंतर आडो डाल, अनेक विध सेवा तणी तूने उपस्थित तत्काल। यदि हमारे हृदय में भावना है तो सेवा तो बिना कहे ही होती है। हम राज्य के प्रेम मार्ग पर, सेवा मार्ग पर जितना हम समर्पित होंगे उतना ही हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। मुझे वो घड़ी याद है जब ज्ञानपीठ की स्थापना हो रही थी तो उस समय सारे बच्चे जो आज बड़े बड़े हैं सब छोटे छोटे थे। ये रास्ता बन रहा था और उस रास्ते के लिए संजोग से कहीं से जो बुग्गी तो मिल गई, झोटा नहीं मिला। उसमें ट्रैक्टर भी उपलब्ध नहीं था। रात के अंधेरे में चौहान जी ने बैल का काम किया, खुद एक कंधा लगाया, पीछे से बच्चे झुंड के झुंड धक्का मारते रहे और पूरी रात के कई घंटों तक मिट्टी ढोई गई।
जब तक ज्ञानपीठ का इतिहास रहेगा, धरती रहेगी, ये सेवा अमर हो जाएगी। चौहान जी को किसी ने कहा तो नहीं था कि चौहान जी आप ताकतवर हैं, बैल की तरह कंधा लगाइए। इस सेवा से उनकी गरिमा बढ़ी। सेवा से कोई छोटा नहीं होता। आप किसी के सामने शीश झुकाते हैं तो आपका शीश और ऊंचा होगा। एक बार दुर्योधन शिकायत कर बैठता है भीष्म पितामह से कि पितामह, आप युधिष्ठिर को विजयी का भाव का आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हैं? भीष्म पितामह कहते हैं कि दुर्योधन, तू एक बार तो युधिष्ठिर के चरणों में अपना शीश झुकाकर दे कि युधिष्ठिर तुझे बिना युद्ध किए ही सारा राज्य दे देंगे। लेकिन तू इतना अहंकारी है कि तेरी गर्दन झुक ही नहीं सकती। तो याद रखिए, हम जितना जीवन में विनम्रता लाएंगे, जितनी सेवा के पद चिन्हों पर चलेंगे, जितना राज्य से प्रेम करेंगे, जितना वाणी का चिंतन करेंगे और जितने वाणी के ज्ञान को फैलाने में कृत संकल्पित होंगे, वो हमारे लिए ही कल्याणकारी होगा। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरी बातों को अंगीकार करेंगे और वाणी के ज्ञान को प्रकाशित करने में दृढ़ संकल्पित होंगे। प्रणाम जी।